चाहता लोगों से पैसे वसूल, असली पुलिस ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। थाने में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा है, ऐसे में जिन्हें शराब पीने की आदत है वो लोग वाइन शॉप या शराब की दुकान से ज्यादा मात्रा में शराब खरीद कर घर ले जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में कोन गांव की वाइन शॉप से ज्यादा शराब खरीदने वाले का पीछा कर अपने आप को पुलिस वाला बताकर उन्हें शराब स्मगलिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर मामला 10,000 में ले देकर छोड़ देता। ऐसे ही एक मामले में एक आदमी ने थाने के समाज सेवक वीनू वर्गीस से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई, जिस पर समाज सेवक वीनू वर्गीस ने फौरन थाने एडिशनल कमिश्नर से बात की और शिकायत दर्ज करवाई। थाने एडिशनल कमिश्नर के आदेश पर कलवा पुलिस ने खारेगांव टोल नाके पर जाकर देखा तो वहां एक नीले रंग की मारुति वैगन आर खड़ी है और उसके सामने पुलिस लिखी एक पट्टी है और वहीं एक आदमी खड़ा था, जिससे पूछताछ करने पर पता चला ये नकली पुलिस वाला है। इसकी तलाशी लेने पर कलवा पुलिस को इसके पास से मुंबई पुलिस का आई कार्ड मिला, जिस पर इसका नाम अमूल अशोक देवलकर और उसकी पोस्ट पुलिस कांस्टेबल लिखी थी। इसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में एक टोपी जिस पर पुलिस का लेवल लगा था और एक फाइबर का डंडा जिसे पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं मिला। इसके बाद कलवा पुलिस इसे पुलिस स्टेशन लाए और से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ इस नकली पुलिस वाले के साथ एक असली पुलिस वाला मिला हुआ है और वो साकिनाका ट्रैफिक विभाग में पुलिस कांस्टेबल है। फिलहाल यह असली पुलिस वाला क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती है, जल्दी इसे भी कलवा पुलिस गिरफ्तार करेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।